कोर्ट्स में आपको मटन हलीम है, मटन मरग है, मटन नहारी है, मलाई मटन है, मटन बिरयानी है। आज टूटा बिरयानी है, टू टाइप का बिरयानी है। क्या क्या है? सूफियानी है, ज़ाफ़रानी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सूफियानी एकदम व्हाइट रहता है, व्हाइट रहता। अच्छा, ज़ाफ़रानी एकदम ज़ाफ़रान रहता है, ज़ाफ़रान रहता है। वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आप सभी को पता होगा, हैदराबाद के खाने को बोला जाता है आठवां अजूबा दुनिया का, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों ना कहा जाए, हैदराबाद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ का चार मीनार और बिरयानी और वहाँ की शादी या वलीमा, इसका कोई जवाब नहीं। डबल के मीठे से लेके हैदराबादी दम बिरयानी से लेके क्या नहीं मिलता है इनकी शादियों में। जो आप देख रहे हैं उससे केटर किया था अल महाराजा केटरर्स ने, और क्या लजीज, क्या शानदार शादी थी जो आप देखेंगे आगे तक। वीडियो स्किप मत करें, जरूर से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें ज़ैनब कुक हाउस को। और अगर आप भी ऐसी शानदार शादी देखना चाहते हैं तो अल महाराजा को जरूर से कॉन्टेक्ट करें। सो हैदराबादी खाने का जो खासियत है, या कोई भी केटरर जब इसे बनाता है, उनकी एक ये खासियत है कि ये सब हैंड पाउंडेड रहता है, कोई भी मशीन वाला खाना नहीं रहता है। और ये शुरू होता है सवेरे से। जाहिर सी बात है, अगर 1,000 से 2,000 लोगों को केटर करना होगा तो क्या टेस्ट होगा अगर आप हैंड पाउंडेड चीज़ों से बनाएंगे। तो यहाँ पे अल महाराजा हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को सबसे बेस्ट क्वालिटी दे। आप देखें कि यहाँ पे बन रहा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देखने में तो लजीज दिखती ही है, बट खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टार्टर के लिए सवेरे शुरुआत हुई मीठे बनाने से, बिकॉज मीठे में जितना वक्त लगता है उतना ही उसमें मिठास आता है। तो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था कश्मीरी रबड़ी से, फिर स्टेप बाय स्टेप ग्रेवीज, देन बिरयानीज, देन ड्रिंक्स और स्टार्टर्स, ये सब बनता चला गया। आपने देखा किस तरीके से बड़े पैमाने में यहाँ पे बनाया जाता है। शादियों वाला खाना है तो जाहिर सी बात है पैमाना तो बड़ा ही होगा, बट तरीका और एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है कोई भी केटर वालों के लिए। और यहाँ का खाना जब हमने खाया था तो वाह, बस सिर्फ वाह ही निकला था। सो नली निहारी और मेरा रिश्ता तो आपको सबको पता ही है कि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ नली निहारी को लेके, क्योंकि नली निहारी एक ऐसी चीज़ है जो एक सॉफ्टनेस, एक क्रीमीनेस देती है विदाउट क्रीम। ठीक है, नली निहारी को बनाना सबकी बस की बात नहीं, और यहाँ पे इन्होंने इसमें एक माहिरियत अता की है, एक पोटली। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहली बार देखा है हैदराबाद में। नली निहारी आता है बेसिकली फ्रॉम दिल्ली एंड लखनऊ, बट हैदराबाद वाले भी पीछे नहीं रहे इस पे। बहुत ही सुपर टेस्ट रहा है इसका, बहुत वैरायटीज़ की चीज़ें बन रही है, और मैंने जैसे कि बताया बहुत बड़े पैमाने पे बन रही है। लकड़ी का चूल्हा जो है इसको देता है एक एक्सॉटिक टेस्ट। अगर आप मुंबई की बात करें या कहीं और की जगह पे बात करें तो बहुत ही कमर्शियल तरीके से शादियों को खाना बनाया जाता है, बट हैदराबाद में हर एक चीज़ जो है वो दिल से बनाई जाती है। और यहाँ पे तैयारी हो रही है तंदूरी चिकन की। सो जैसे अगर हैदराबाद की हम बात करें तो वहाँ पे अपोलो फिश ये उनकी जान है, जैसे कि चिकन चीज़ कबाब हमारी जान है मुंबई कर वालों के लिए, हर शादियों में आपको मिलेगी ही। तो वैसे ही वहाँ पे मिलता है अपोलो फिश, स्प्रिंग रोल, भर्रा कबाब, KFC चिकन, तंदूरी चिकन। और ये बिलीव करते हैं कि हर एक चीज़ ट्रेडिशनल मैनर से बनाया जाए विदाउट एडिंग फूड कलर और सम प्रिजर्वेटिव्स। और यहाँ पे इनका टेस्ट जो है
वो ऐसा टेस्ट है कि आपको एक एरा में लेके जाता है, एक पुराने ज़माने की टेस्ट में लेके जाता है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या किसका तैयारी चल रहा है भाई? स्प्रिंग रोल का तैयारी। स्प्रिंग रोल का, अच्छा। सो यहाँ पे स्प्रिंग रोल की तैयारी हो रही है। तो स्प्रिंग रोल का आपने शीट देखा कि ये रेडीमेड शीट यूज़ नहीं करते हैं, ये एक एक चीज़ हैंडमेड है। तो जाहिर सी बात है, जब चीज़ हैंडमेड होती है तो उसका वैल्यू और उसका टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। वैसे सभी को पता है कि हैदराबादी लोग बहुत ही हंसी मजाकी वाले लोग होते हैं, बट अगर आपको उनको गुस्सा दिलाना है तो ज़रूर से पूछ ले उनको कि हैदराबादी बिरयानी का सीक्रेट मसाला क्या है, तो बस देखे कि बस उनका इतना चेहरा बदल जाता है, बिकॉज दे बिलीव नॉट टू शेयर द सीक्रेट विद एनी अदर स्टेट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए तो इनका जो रेसिपी है वो अभी तक प्रिजर्व्ड रेसिपी है। नो मैटर वॉट, आप कहीं पे भी दुनिया में जाए, हैदराबादी बिरयानी का जो मुकाबला है वो कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। हैदराबादी बिरयानी तो आपको हर जगह टिपिकल एक ट्रेडिशनल बिरयानी मिलेगी, बट अगर मैं दावतों वाली बिरयानी की बात करूँ तो उसके मुकाबले में हर बिरयानी फेल है। फ्रेश पिस्ता, कर्ड, दही जैसे कि दूध या फिर खोया, असली घी, इन सब से बनता है एक बेहतरीन हैदराबादी बिरयानी, ऑफ कोर्स विद सम हैंड पाउंडेड मसाला। यहाँ पे बनता है जो खाना वो आपको दिल छू लेगा। खोया ये एक रिचनेस देता है हैदराबादी बिरयानी को, घी एक टेक्सचर देता है हैदराबादी बिरयानी को। इनफैक्ट मैं हैदराबादी बिरयानी के बारे में स्टेप बाय स्टेप भी आपको बताऊं तो वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, तो आप देखें वीडियो और एंजॉय करें इनकी मेकिंग। गाइस, अगर अभी तक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें। और ये आ गया दम का प्रोसेस। हैदराबादी बिरयानी का मेन पर्पस जो है वो है दम। उसको अगर ढंग से दम दिया जाए तो क्या बात है, एक एक राइस खुला हुआ आपको मिलेगा। तो बस ये आ गया स्टार्टर की बारी, सबका फेवरेट अपोलो फिश, फ्राइड चिकन, KFC, तंदूरी, और यहाँ पे बन रहा है फ्राइड प्रॉन्स। तो प्रॉन्स खाना किसे पसंद नहीं है, एवरीबडी लव्स प्रॉन्स। तो यहाँ पे इतनी वेराइटीज है कि आप क्या खाए और क्या ना खाए ऐसा हो जाता है। सो जो स्टार्टर लवर है तो मेक श्योर करें कि पहले स्टार्टर खाए, और अगर बिरयानी लवर है तो मेक श्योर करें कि पहले बिरयानी खाए, क्योंकि दोनों चीज़ इतनी ही टेस्टी है कि आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्या चीज़ है। सो बस सारी प्रिपरेशन यहाँ पे रेडी हो गई है, ऑलमोस्ट सभी प्रिपेयर्ड है, होना ही है क्योंकि सुबह से जो तैयारी चल रही है। सो गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे कि अब बज रहे हैं 10, रात के 10 बज रहे हैं और अभी तक खाना शुरू नहीं हुआ है। सो अब बारी आती है केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने की। मैं हमेशा एक चीज़ देखती हूँ केटरिंग में, कटलरीज। सो यहाँ पे आपने देखा कि अल महाराजा दे गिव द बेस्ट सर्विस इन केटरिंग एज वेल एज इन कटलरीज आल्सो।
सुबह दस्तरखान लग गया है और अब बारी आती है तंदूर आइटम्स की। तो आप देखें कि रुमाली रोटी, इससे बड़ा मैंने तो दिल्ली में भी नहीं देखा है, ना ही मुंबई में। और जिस तरीके से रुमाली रोटी गरम गरम सेक के निकाल रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि वहीं पे थोड़ा सा चख ले। और रुमाली रोटी का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन एज यूजल मेरे लिए होता है कोरमा या फिर निहारी। और यहाँ पे बन रहा है तंदूरी रोटी जिसे बटर में किया जाएगा, और ये है कश्मीरी रबड़ी। So, जो मेरे साथ बहुत पहले से है, दे ऑल नो दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ डिजर्ट, एंड व्हेन इट कम्स टू डिजर्ट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टेस्ट। शाही स्टाइल बनाया गया है, शाही स्टाइल सर्व किया गया है, बस और क्या चाहिए आपको जिंदगी में। ये आ गया मलाईदार सनराइज पुडिंग, ठीक है, जिसे सर्व किया जाता है फ्रेश फ्रूट क्रीम और केक के साथ। और ये आ गया अरेबियन सैलेड। सो गाइस, व्हेन इट कम्स टू डेजर्ट, मैं आपको इतना बता सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ डेजर्ट की। और ये स्टार्ट हो रहा है सऊदी शैम्पेन। सो सऊदी शैम्पेन है, शैम्पेन नाम पे मत जाए, इट्स अ हलाल थिंग। ओके, सो देर वर सो मेनी वेराइटीज इन दिस वेडिंग दैट आई वॉज सो ऑ ऑफ लुकिंग एट ईच एंड एवरी डिशेस। और इन्होंने बनाया भी इस तरीके से था कि मैं जिंदगी में कभी भी इस केटर की टेस्ट नहीं भूलूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको हैदराबादी शादी की दावत आए तो कभी 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 मिस मत करना। वालेकुम सलाम। अल महाराजा केटरर्स एक माशाल्लाह से हैदराबाद का जाने माना केटरर्स कंपनी है हमारी। ये मेरे वालिद साहब का बिज़नेस है, तो अभी मैं वालिद साहब के साथ हमारे बिज़नेस में शामिल हुआ हुआ हूँ। तो हम लोग हमारी सर्विस 40 साल से दे रहे हैं हैदराबाद में। हमारे पास आपको हर चीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्वालिटी है हमारे पास, क्वान्टिटी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, और प्रॉपर हैदराबादी जो कुज़ाइन है वो चीज़ हमारे पास मिलेंगी आपको। और आपको साथ साथ है ग्रेवी के चिकन्स है, दमका चिकन है हैदराबादी, जो ऑथेंटिक दमका चिकन है, जो शादियों वाला चिकन जिसको बोलते हैं वो है। और आपको वैरायटी ऑफ डिशेस है, समझिए डेजर्ट्स में है हमारे पास काफ़ी सारे डेजर्ट्स है, जैसे कि शहदूद मलाई है, मैंगो मलाई है, लीची मलाई है, राजस्थानी रबड़ी है, सनराइज पुडिंग है, ये सारे काफ़ी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर हैदराबादी डिशेस है समझे। अभी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप बॉम्बे से आए हमारा खाना लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसका हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। और अल महाराजा केटरर्स को आप लोग फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और व्हाट्सअप नंबर है हमारा, हमारे से आपके डिटेल शेयर करिए। इंशाल्लाह कभी बॉम्बे में भी आना हमारा हुआ तो इंशाल्लाह बराबर हमारी सर्विस देंगे। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अब आती है फैमिली टेबल की बारी। सो फैमिली टेबल नॉर्मल टेबल जैसा नहीं लगता है, शाही स्टाइल में लगता है, आप देखें। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।